युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच भी चल रहा है, लेकिन गाजा इसराइल के युद्ध में एक चीज अलग देखने को मिल रही है। विश्व के अलग अलग इलाकों के लोग जिस तरह से गाजा के समर्थन और इसराइल के विरोध में खड़े हैं, वैसा समर्थन या विरोध रूस यूक्रेन युद्ध में देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि इन दोनों ही युद्धों में अमेरिका की भी भूमिका है। एक तरफ अमेरिका यूक्रेन के साथ है और दूसरी तरफ इसराइल के साथ है, लेकिन अमेरिका की भी यूनिवर्सिटीज में लोग बड़े पैमाने पर गाजा का समर्थन और इसराइल का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में गाजा के प्रति लोगों का इतने बड़े पैमाने पर समर्थन और इसराइल का विरोध ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर क्या लोगों को ये लग रहा है कि इसराइल गलत कर रहा है, या फिर उनसे गाजा के लोगों पर हो रही इसराइली क्रूरता और वहां के लोगों की पीड़ा नहीं देखी जा रही है। अब यमन में भी लाखों लोगों ने गाजा के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मार्च निकाला है। मार्च निकाल रहे लोगों ने गाजा पर नरसंहार बंद किए जाने की मांग की और इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका और इजरायली सरकार के खिलाफ यमन के सशस्त्र बलों के अभियान को बढ़ाने की अपनी मांगों को भी दोहराया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को यमन की राजधानी साना और कई अन्य प्रांतों में 10 लाख से अधिक लोगों ने इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने विद गाजा अ होली स्ट्रगल विद नो लिमिट्स के नारे के साथ कई इलाकों और चौराहों पर प्रदर्शन किया। उनके नारे का मतलब है कि वो गाजा के साथ हैं और उसके लिए बिना किसी सीमा के एक पवित्र संघर्ष में शामिल हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सना के अल सबीन स्क्वायर के साथ साथ हुदायदा, धमार, इब, अमरान, ताइज, हज्जा, अल बायदा इलाकों और चौराहों पर प्रदर्शन किया। इसके अलावा अल जौफ, अल महवित, अल बायदा, अल डाए और लाजा में भारी भीड़ देखी गई। प्रदर्शनकारियों ने गाजा और पूरे कब्जे वाले फिलिस्तीन में फिलिस्तीनी प्रतिरोध के लड़ाकों को सलाम किया और लेबनान और इराक में मोर्चों के लिए समर्थन भी व्यक्त किया। आपको बता दें कि गाजा के समर्थन में यमनी रेजिस्टेंस यानी यमन के लड़ाकों ने चौथे चरण का युद्ध शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने यमनी प्रतिरोध के नेता सैयद अब्दुल मलिक अल हूती के लिए गर्व व्यक्त किया और उनके आदेशों को पूरी शिद्दत से निभाने के लिए प्रण लिया है। यमन के सशस्त्र बलों ने कहा कि वे अपने हमले तब तक नहीं रोकेंगे जब तक गाजा में इसराइल जमीनी और हवाई हमले बंद नहीं कर देता। इन हमलों में अब तक गाजा के कम से कम 27,948 लोग मारे गए हैं और 67,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। युद्ध की शुरुआत में अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में जहाजों पर भी हमला करना शुरू किया था, क्योंकि अमेरिका ही सैन्य हथियारों से लेकर हर तरह से इजराइल की मदद कर रहा था। हूती हमलों से अमेरिका पर दबाव तो बना, लेकिन उसने इजराइल को समर्थन देना बंद करने की जगह हूती हमलों को रोकने के लिए अमेरिका ने ब्रिटेन और अन्य देशों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया और फिर उन्होंने मिलकर हूती विद्रोहियों पर हमला शुरू कर दिया। इससे हूती हमले कुछ कमजोर हो गए थे। हालांकि अब एक बार फिर हूती लड़ाकों ने इसराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी है और इधर कुछ समय पहले अमेरिका और इसराइल के बीच भी कुछ मनमुटाव की खबरें हैं। दरअसल अमेरिका ने या तो हूती हमलों को काबू में रखने के लिए या फिर अन्य कारणों के चलते हाल ही में इसराइल को गाजा में नरसंहार रोकने के लिए कहा था और चेतावनी भी दी थी कि यदि वो गाजा में नरसंहार नहीं रोकता है तो अमेरिका इसराइल की मदद करना बंद कर देगा। इस पर इसराइल ने अमेरिका को ही लगभग धमकी भरे लहजे में कह दिया कि अमेरिका मदद बंद कर देगा तो उसके बाद भी वो गाजा पर हमले जारी रखेगा। अब जब इसराइल के खिलाफ एक बार फिर हमले बढ़ रहे हैं, तब ये देखना है कि अब आगे अमेरिका क्या प्रतिक्रिया देता है। क्या वो फिर से इसराइल के साथ खड़ा होता है या फिर उसे अकेला ही छोड़ देगा।